हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं, मैंने एक बुक ऑर्डर किया जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे कि हमें ऑनलाइन बुक खरीदनी चाहिए या नहीं। तो चलिए अनबॉक्सिंग को पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कट हेयर टू ओपन, हम लोग इसे यहीं से काटेंगे। ये रहा हमारा बुक जो कि हमने ऑर्डर किया है, लेटेस्ट सी बाय यशवंत कनेटकर, 16 एडिशन, जो कि लेटेस्ट है। तो ये रहा हमारा बुक लेटेस्ट सी 16 एडिशन, जो भी कह सकते लेटेस्ट बुक है। एंड इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, मेरे को 237 का पड़ा, जो कि काफ़ी कम है। तो बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन बुक खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर बुक्स आपके घर के आसपास में अवेलेबल है कोई भी स्टोर या किसी बुक सेलर के पास, तो आप ऑफलाइन खरीदिए जो इजीली अवेलेबल बुक्स है, कॉमन बुक्स है। अगर ऑनलाइन से आपको अबाउट 20-30 रुपीज़ ज़्यादा ही पड़े, तब भी आपको ऑफलाइन ही लेने चाहिए। लेकिन अगर बुक्स जो रेयरली अवेलेबल होती है और जो कॉमन बुक्स नहीं है, उसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन खरीदें। या फिर आप कोई एंटिक बुक, हायर स्टडीज़ की बुक लेना चाहते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन जानी चाहिए अगर आपके आसपास में अगर कॉमनली अवेलेबल नहीं है तो। एंड अबाउट डिलीवरी चार्जेस, आप फ्लिपकार्ट में आप प्लस मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा 40 रुपीज़ की। और अगर आप फ्लिपकार्ट एश्योर्ड बुक खरीदते हैं 500 से ऊपर की, तो उसमें भी आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी सस्ते में बुक मिल जाएगी। तो ये सब फैक्टर है अगर आप ऑनलाइन बुक खरीदने जा रहे हैं तो। और जो ये सब फैक्टर थी, तो होप आपको ये फ़ायदा करेगी ऑनलाइन बुक खरीदने में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगर नई वीडियो डालें हम लोग तो आपके पास बहुत जल्दी चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।